SRM टुडे शहर की आवाज। अब खबरें विस्तार से। शहर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया, जिसके चलते शहर में विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें नाटक के माध्यम से लोगों में डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेने के प्रति जागरूकता फैलाई गई। शहर में फार्मासिस्ट द्वारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया, जिसके चलते शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। इसी के तहत सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चिकित्सा फील्ड में फार्मासिस्ट की भूमिका व बिना सलाह के दवाइयों का सेवन नहीं करने के प्रति जागरूकता फैलाई गई। स्क्रीन का अधिक मात्रा में उपयोग करने से शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। दर्द के दवाइयों के साथ शराब का सेवन वर्जित है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। दूध एवं दूध से बने उत्पाद के साथ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग वर्जित है। गर्भवती महिलाएं एसिडिटी की दवाइयों से परहेज करें। दिमागी बीमारियों में अचार एवं खट्टी चीजों का सेवन न करें। दवाइयों का सेवन डॉक्टर एवं फार्मासिस्ट की सलाह से ही करें। अब ये फार्मासिस्ट कौन होता है? फार्मासिस्ट दवाइयों के निर्माण व वितरण के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति। ये उपचार के समय रोगियों को दवाइयों के उपयोग एवं दुष्परिणाम के बारे में निर्देश एवं जानकारी देता है। और ये देखिए, इस संबंध में फार्मासिस्ट ने बताया कि कई बार लोग अपने शरीर में दर्द होने पर मेडिकल से लाकर दवाइयां ले लेते हैं, जो बिना डॉक्टर की सलाह और बिना फार्मासिस्ट की सलाह के दे दी जाती है, जिससे बीमारी बढ़ने और साइड इफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर जागरूकता फैलाई गई है, जिसके चलते गांधी चौराहे पर नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। आज 25 तारीख को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है,
और इसका मेन उद्देश्य है कि समाज में फार्मासिस्ट की भूमिका को जागरूक करना है। और फार्मासिस्ट की जो भूमिका रहती है कि लोगों को दवाइयों के बारे में सही जानकारी दें ताकि वो उसको सही तरीके से यूज कर सकें और एक प्रभावी तरीके से दवाई का बॉडी पे प्रभाव पड़े, तो उसी के कारण ये जागरूकता प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें हमारे बच्चों ने आज फ्लैश मॉब की और एक जागरूकता रैली भी निकाली है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में आम जनता को सूचित करना है। कार्यक्रम क्या रहा, किस बात को लेकर किया है? सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिंस टू ऑल, ताकि जो भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना फार्मासिस्ट के समझे हुए मेडिसिन लेते हैं, या आप सेफ जैसे कोई पेन हो रहा है और आप खुद से मेडिसिन ले लेते हैं, वो चीज़ गलत है। क्योंकि किस चीज़ के साथ कौन सा ड्रग लेना चाहिए वो आपको नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता है। जो फार्मासिस्ट एक दवाई बनाता है सिर्फ उसे पता होता है, या डॉक्टर जो आपके प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है सिर्फ उसे पता होता है। हम लोग जो है गांधी चौराहे पे कार्यक्रम हमारा कर चुके हैं सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिंस का, तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों तक हम लोग पहुँचाएँ कि फार्मासिस्ट क्या है और मेडिसिन को किस तरीके से किस रूप में यूज़ किया जाए, और बाकी जो ड्रग बेसिस पे नॉलेज दी जाती है वो हमारा मेन उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।